हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो एम टेक, एम फार्मा, एम आर्किटेक्चर, एम यू आर पी या फिर एम डिज़ाइन में AK2 का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपने 29 अगस्त 2021 को दिया था तो उसकी रैंक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। आप जो है टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट मिल जाएगा या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा पहुँच से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं एम टेक, एम फार्मा, एम आर्किटेक्चर, एम यू आर पी, एम डिज़ाइन में, तो इसमें जो काउंसलिंग होगी, जो एडमिशन प्रोसेस होगा, वो हर कॉलेज जहाँ जहाँ पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं वो अपना अपना काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे। तो अगर आपने एम टेक, एम फार्मा, एम आर्किटेक्चर, एम या फिर एम डिज़ाइन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था तो फिर आपको जो है उस पर्टिकुलर कॉलेज में जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाके उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया है कि एम टेक, एम फार्मा, एम आर्किटेक्चर, एम यू आर पी, एम डिज़ाइन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में हर समस्त अभ्यर्थी को अवगत कराना है कि प्रथम वर्ष में प्रवेश हो तो समस्त संबंध संस्थानों द्वारा अलग अलग काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में हर अभ्यर्थी प्रतिभाग कर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जहां पे भी जिस भी कॉलेज में कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि AK2 से रिलेटेड हैं तो उस कॉलेज में आप पर्टिकुलर पर्सनली जाइए और वहां पे अपनी रैंक और जो फॉर्म होगा वहां पे काउंसलिंग का उसको फिल करके आप जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट ईयर में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।